Hello everyone. Let's talk about dermatology, that is skin. On 16th of Feb, a dermatology welfare and awareness program was conducted by IADVL, that is Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists. For that matter, they visited KGMU. So dental students of 15, 16 and 17 batch performed two street plays to spread awareness about skin related issues in very dramatic, funny yet informative way. So the video is divided into two parts. In first part, we will see the play based on Vitiligo, also known as Safar. Here it is. Yo ma, वो जो आपने नई काम वाली बुलाई थी, वो आ चुकी है. आइए. हाँ रमा, मैं रसोई दिखा दो. माँ की जगह माँ जी, हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे. यो, माँ जी, आपने पहले बताया ही नहीं कि आपकी बेटी ये सफेद दाग है. और माँ जी, ये दाग हमें हो गए तो, माँ जी, हमें हो गए तो भी ठीक है. पर हमें हम से हमारी दो छोटी छोटी बेटियों को हो गए तो उसे ग्राफ कौन करेगा? कैसी बात कर रही हो रमा? ये कोई स्कूल की बीमारी थोड़ी ना है. मेरा बेटा कोई अछूत थोड़ी ना है. ये सब मेरी सबको रसम जाओ माँ जी, हम काम नहीं कर पाएंगे. पर अब मैं क्या करूँ? बेचारा मेरा बेटा, जब से उसे सफेद दाग हुआ है, लोग उसे अछूत ही मानने लगे हैं. उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया है. उसके दोस्त भी उससे कट्टे कट्टे रहते हैं. आप ही बताइए भला इसमें उसकी क्या गलती है? माँ, अरे वो नई काम वाली थी, जल्दी चली गई. अरे अरे हाँ बेटा, इसलिए मैंने उसे छुट्टी दे दी. अच्छा है माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ. ठीक है बेटा. बाबा जी नमस्ते. अरे आइए गुप्ता जी, बताइए क्या समस्या हो गई? अरे बाबा, ये भांजे के चेहरे पे सफेद सफेद दाग हो गए, ये दिखाने आए थे आपको? अरे बस इतनी सी बात, तो यू ही ठीक कर देंगे हम. हाँ, ये जो अपने शर्मा के है ना, के फूफा के बेटे के चाचा के मामा के भतीजों को यही बीमारी थी. हमने दवाई दी और दो ठीक. बाबा बेटा तुम टेंशन तो बिल्कुल लो ही मत. रात को सोने से पहले अमलदास के पत्तों का लेप अपने चेहरे पे लगाओ, सुबह उठ के धो लो. बाबा तुमको युगांडा ही मिट्टी देंगे. अच्छे से मल लिए चेहरे पे, हीरो बन जाओगे. चमकदार चेहरा एकदम बवंडर. अरे अरे गुप्ता जी, कहाँ जा रहे हैं? कहीं दक्षिणा वक्षिणा देके जाइए, ऐसे असर नहीं करेगी दवा. अरे माँ, एक महीने से ये लेप लगा रहा हूँ, अभी तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा. अरे भाई, इतना आराम तो हुआ मेरे बेटे को? बेटा तुम काफी परेशान होते हो, बस थोड़े दिन और ये लेट लगा ले, तब सही हो जाएगा मेरा बेटा. ठीक है बेटा? ठीक है.
कॉलेज ही जाता हूँ। मुझे तो आज का टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाय शुभांगी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं टॉपिक समझने में? तुम फिर से आ गई हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? What do you want? मुझे भी तुम्हारे जैसे ये दाग धब्बे हो जाए। आई नो यू हैव लेप्रसी। कुछ लोग है ना तुझे? तुम प्लीज ना दूर रहो मुझसे, दूर रहो। बस अब बहुत हो गया, ये फालतू के इलाज बंद। अब मैं अपना इलाज डॉक्टर से ही करवाऊंगा। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं डॉक्टर के पास जाकर सही किया या नहीं, इसका इलाज हो भी पाएगा या नहीं, कहीं दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। ये मैंने जैसे आपको दवाई बताई है वैसे लगाई, ठीक है? थैंक्स डॉक्टर। बाकी चिंता की कोई बात नहीं, आपकी बेटी को जो बीमारी है सिर्फ विटिलाइगो कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। विटिलाइगो छूने से या किसी भी तरीके से नहीं फैलती है, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर इसका सही समय पर इलाज कराया जाए तो ज्यादातर लोगों को एक साल में आराम मिल जाता है। इस बीमारी में किसी भी प्रकार का कोई भी परहेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सफेद खाइए तो सफेद दाग बढ़ेंगे। अगर ये बीमारी आपको है तो जरूरी नहीं आपसे आपके बच्चों को। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हर सफेद दाग कुछ दिनों नहीं होता। So, have you seen how these stigmas, which are based on lack of knowledge, can affect someone's life? I think the take-home message is pretty clear. Thank you.